फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही हेल्दी मल्टीग्रेन कुकीज़ बनाने वाली हूँ, जिसमें कोई ऑयल और कोई बटर यूज़ नहीं किया है, बल्कि इसमें मैंने चॉकलेट स्मूथ पीनट बटर को यूज़ करके बनाया है। ये काफ़ी हेल्दी वाली पीनट बटर है और ये कुकीज़ भी काफ़ी टेस्टी इससे बनती है। तो चलिए इस हेल्दी कुकीज़ को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने एक मिक्सी जार में इंस्टेंट ओट्स लिया है 1/4 कप, और 1/4 कप ही गेहूँ का आटा और 1/4 कप बाजरे का आटा लिया है, और इसमें 1/4 कप ही हमने जागरी पाउडर ले लिया है, 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर और 2 इलायची को इसमें तोड़ करके डाल देंगे इस तरीके से, और बस हमें इसे फाइन ग्राइंड कर लेना है और एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ और ये चॉकलेट स्मूथ पीनट बटर डाल देंगे। ये कम से कम 80 से 90 ग्राम हमें इसमें डालना है, तो अभी मैंने थोड़ा डाला है। अभी मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा और मिला लेते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच दूध भी, ठंडा वाला दूध मिला दें। तो हमने 2 चम्मच ठंडा वाला दूध मिला लिया, और बस हमें इसका एक अच्छा सा डो बना करके तैयार कर लेना है। इस तरीके का डो बन करके तैयार हो गया है। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे और इसमें थोड़े से रोज़ पेटल डाल करके इसको दरदरा हमें पीस लेना है। तो हमने दरदरा पीस लिया है। अब किसी सरफेस पे इसको स्प्रेड कर देंगे और डो को इस पर फैला देंगे, और उसके ऊपर भी हमने फैला दिया है। और इसे हमें बेल लेना है, 1/2 इंच की थिकनेस होनी चाहिए, और आप अपने मनपसंद की कुकीज़ कटर से इसे कट कर लें। तो इस तरीके से हमने सभी कुकीज़ को कट कर लिया है, हमने इस डिज़ाइन में बनाया है, और सभी को बेकिंग ट्रे पे रख देंगे और इसे 160 डिग्री पे हम 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, मैं कुकीज़ को निकाल लेती हूँ और इसको एक कूलिंग रैक पे रख के ठंडा कर लेती हूँ। कुकीज़ सभी ठंडी हो चुकी है और अब इसको एक प्लेट में रख लेते हैं। बहुत ही क्रंची बनी हुई, आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ, और काफ़ी हेल्दी भी है। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं, 15-20 दिन तक ऐसे ही रहेगा। इस तरह का आप भी कुकीज़ अपने बच्चों के लिए घर पे ज़रूर बनाएं। यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।